Assalamu alaikum. Hello everyone, this is Dr. S. Fatma. I welcome you all to my channel. आज मैं बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ. ये टॉपिक है स्वोलन गम्स, यानी मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों की सोजिश. आप अपने गम्स की स्वेलिंग को घर पर कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, इस बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी और कुछ इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज डिस्कस करूंगी. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है. गम्स की स्वेलिंग और गम्स की सोजिश के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि गम डिजीज़, जिसे मास्कोरा भी कहते हैं, जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस, ये लीडिंग कॉज हैं गम्स की स्वेलिंग की. दूसरा एक एविडेंट कॉज है पुअर फिटिंग डेंचर्स. जो लोग मसनूई दांत या डेंचर्स लगाते हैं, ज़्यादातर जो उतारने चढ़ाने वाले दांत होते हैं, उसके जो मार्जिन्स हैं वो गम्स के ऊपर लगते हैं आकर, और वो इरिटेट करते हैं. जब कॉन्स्टेंटली इरिटेशन रहती है तो गम्स स्वेल कर जाते हैं. जो तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है गम स्वेलिंग का, दैट इज़ सम प्रोडक्ट सेंसिटिविटी. कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं टूथपेस्ट के अंदर जो कि आपको इरिटेट कर रहे होते हैं पर आपको पता नहीं होता. और टूथपेस्ट के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ जो आप अवॉइड करें, जो आपकी गम्स को इरिटेट कर सकते हैं और गम्स की स्वेलिंग कॉज कर सकते हैं. नंबर वन इज़ सोडियम लॉरल सल्फेट. नंबर टू इज़ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल. नंबर थ्री इज़ पैराबेंस. नंबर फोर इज एस्पार्टेम. नंबर फाइव इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड. अनदर पोटेंशियल कॉज ऑफ गम्स स्वेलिंग इज पुअर न्यूट्रिशन, मीन्स के कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपकी डाइट डेफिशिएंट हो, लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी गम्स की हेल्थ के लिए. अनदर कॉज फॉर गम स्वेलिंग इज हार्मोनल चेंजेस. फीमेल्स में, मेल्स में स्ट्रेस के टाइम्स पर हार्मोन्स का इम्बैलेंस पीक पर होता है, और हार्मोन के चेंजेस से आप जानते हैं कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एंड स्वेलिंग ऑफ द गम्स इज़ वन ऑफ दैट चेंज. अनदर कॉज इज ओरल इन्फेक्शंस. दांतों का इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, बहुत सारे इन्फेक्शंस गम्स को इफेक्ट कर सकते हैं. अनदर कॉज इज सर्टन टाइप ऑफ मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो गम्स की स्वेलिंग कॉज करती हैं. ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स कुछ ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बड़ी एक पोटेंशियल कॉज है गम्स की स्वेलिंग की. कुछ एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं जो अपनी मेडिकेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेनिटोइन, ये मेडिसन गम्स की स्वेलिंग कॉज करती है. कुछ लोग जो अपनी ओरल हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो प्लाक अटैच रह जाता है दांतों के साथ, और वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता रहता है गम्स को, और गम्स में स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है. और जो स्मोकर्स हैं या जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहल एक एविडेंट और लीडिंग कॉज है गम्स की स्वेलिंग की. और एक हिडन कॉज जिसका पता नहीं चलता, जिससे आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, दैट इज स्ट्रेस, लॉन्ग टाइम स्ट्रेस. स्ट्रेस में हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, और जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं. गम्स भी उन टिश्यूज़ में से एक है. गम्स में स्वेलिंग सोजिश रहती है. अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी गम्स की स्वेलिंग को कम कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज़ कि अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें. सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश को यूज़ कीजिए और डेंटल फ्लॉस को यूज़ करना सीखें. नंबर सेकंड इज़ नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें. उसके लिए आपने ये करना है कि एक ग्लास नीम गर्म पानी लें और उसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाल के मिक्स करें, और उसके साथ दिन में 2 से 3 बार कुलियाँ करें. ये आप रेगुलर बेसिस में दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं. अनदर बेनिफिशियल होम रेमेडी इज़ द यूज़ ऑफ क्लोव ऑयल, लौंग का तेल. सदियों से ये दांत के दर्द और दांत के दूसरे इश्यूज के लिए यूज़ किया जा रहा है. आपने करना ये है कि लौंग के तेल के 2 से 3 कतरे अपने गम्स पे लगाने हैं और हल्का सा मसाज करना है. 1-2 मिनट इसको लगा रहने दें और फिर बाद में वॉश आउट कर लीजिए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज़ एलोवेरा. जिस तरह बालों और स्किन के लिए एलोवेरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह गम्स के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है. आपने एलोवेरा का माउथ वॉश बनाना है, और वो ऐसे बनाना है कि आपने एक ग्लास पानी में 4 या 5 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करनी है,
और उसको मिक्स करने के बाद ऐसा माउथ वॉश यूज़ करें। आप इसको डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा के जेल को डायरेक्टली भी आप अपनी गम्स पे लगा के मसाज कर सकते हैं। 2-3 मिनट मसाज कीजिए और उसके बाद इसको वॉश आउट कर लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इन आर होम रेमेडी इज़ बेकिंग सोडा एंड टर्मेरिक पेस्ट। आपने हल्दी और बेकिंग सोडा की पेस्ट बनानी है पानी के साथ, और इस पेस्ट को अपने दांतों पर लगा कर लाइट सा मसाज करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसको वॉश आउट कर लीजिए। आप जानते हैं कि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हीलिंग को इम्प्रूव करता है, तो इसी तरह ये पेस्ट एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड करेगी आपके गम्स के लिए। नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स फॉर रिड्यूसिंग गम स्वेलिंग इज़ द यूज़ ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स को सोशल मीडिया पर मैंने काफ़ी जगह पर देखा है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, इसी तरह ये गम्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल, 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल और 2 ड्रॉप्स ऑफ कैमोमाइल ऑयल को 1 ग्लास पानी में या 1/2 ग्लास पानी में मिक्स करना है और इसको ऐसा माउथ वॉश यूज़ करना है। दिन में 2 बार आप इसको मैक्सिमम यूज़ करें फॉर 2 to 3 weeks। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फॉर आर होम रेमेडी इज़ द यूज़ ऑफ हेना लीव्स। मेहंदी के पत्ते, जिन पत्तों से मेहंदी बनती है, आप जानते हैं मेहंदी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, मेहंदी बहुत पसंद करती हैं लड़कियाँ, उसी मेहंदी के पत्ते आपने लेने हैं। पत्तों को पानी में बॉयल करें और बॉयल होने के बाद उस पानी को ड्रेन कर लें, ठंडा होने दें और उसको ऐसा माउथ वॉश यूज़ करें। एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी है कैस्टर ऑयल और कैम्फर टैबलेट्स। 1 से 2 खाने के चम्मच कैस्टर ऑयल में 1 कैम्फर की टैबलेट, कफूर की टैबलेट आपने शामिल करनी है। आप जानते हैं कि कैम्फर को बहुत सारी मेडिसिंस में पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है और कैस्टर ऑयल में स्वेलिंग को कम करने की सलाहियत होती है। नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इस वनीला एक्सट्रैक्ट। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। वनीला एक्सट्रैक्ट के 2 से 3 कतरे आपने अपनी गम्स पे लगाने हैं और 3-4 मिनट के लिए जस्ट लीव इट एज इट इज़। 3-4 मिनट के बाद आप इसको वॉश करें। दिन में 2 से 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं और 3 से 4 वीक्स आप इसको यूज़ करें। गम्स की स्वेलिंग में काफ़ी हद तक कमी आएगी। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।